हम लोग खुद निकाल लेते एक मिनट में, लाश ऐसे धरा ला, पुलिस घूम फिर 3-4 घंटा टाइम पुलिस वहाँ पे लगा दिए, अनिहार के निकाले कोई पहचान नहीं, इसका मतलब पुलिस पैसा खा रहा नानी है, यही बात था। 3-4 घंटा में उतने मट्टी निकला, बस इतने ऊपर मट्टी था, 5 मिनट के काम नहीं था, बस उसको 3-4 घंटा लग गया। देखिए जो घटना घटी है यहाँ पर, कोई भी हर कोई यही कह रहा कि ना प्रशासन सही तरीके से इस गरीब परिवार के साथ अभी तक कोई यहाँ पर आया नहीं। कितनी दुखद बात है, आज ही अगर बड़े घर का कोई लड़का इस तरीके से मारा गया होता तो तमाम लाइनें लग जाती, नेता विधायक सांसद सब आ जाते हैं। लेकिन कितनी दुखद बात है कि एक गरीब अगर मरता है तो एक जान लीजिए कि लोग समझते हैं कि कुत्ता मर गया या एक बाजार का सामान था टूट गया, इतना लोग अहमियत नहीं समझते हैं गरीबों का। और जबकि गरीबों के ही ओर से आप लोग जो है एसी गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई के लिए लोग तड़प रहे हैं, ये परिवार अब भी इंतजार कर रहा है। आइए हम जो है एक जो घटना घटी है लपरी ग्राम सभा में, जो कि जौनपुर जिले में लपरी ग्राम सभा में जो घटना घटी है अभी कुछ दिन पहले, जो आप लोगों ने देखा कि 2-4 दिन पहले अनुराग यादव, जो कि वो भी 16 साल का मासूम था, यहाँ पर भी सत्यम बिंद, वो भी एक मासूम सा 15-16 साल का ही, और उसको भी बहुत ही बेरहमी तरीके से लोगों ने उसको मार डाला। आइए देखिए यहाँ पे गाँव के भी लोग हैं और उस बच्चे की नानी भी आई है, हम पहले इनकी नानी से थोड़ा बात करते हैं। लड़का इतना सीधा साधा, दुकान पर अब ओके रास्ते में लाके कहा कि मेला मेलवाई के तो मेला रहा, अब वही रात से वहाँ जब वही रात मेला वाले रात, अब इतनी दूर में कौन उनका दुश्मन कि कोई देखा, ठंडी के दिन राम नहीं खाए बना के अपने मड़ई में जीता, अब रास्ते में कौन दुश्मन उनका मिला इतने दूर में, दुकान से ले गए इतने दूर में कौन दुश्मन उन्हें देगा, अब यही पता लगा के अब ओके पकड़ा। देखिए बच्चे की नानी है जिनकी बेटी तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, लेकिन उस बच्चे का मुंह देख करके उस बच्चे में ही सब कुछ दिखता था कि कम से कम उनकी निशानी है, उस निशानी को मिटा दिए लोग। हाँ एकदम मिटा दिए निशानी, कोई बहन एक भाई रहे, बहन बड़ी रही ना वो छोटा रहा, बस ये मैं चाहे कि वो के छान बिन के वो के हाजिर करा, अपराधी के सामने लिया मैं, बड़ी दुर्दशा से मर लो रहे, बहुत दुर्दशा की है, उसका इज्जत भी खराब कर दिया। अच्छा बलात्कार भी उसके साथ किए हैं, बलात्कार भी किए हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, जो मतलब टट्टी वाला था वो रास्ता भी फट गया। देखिए जो नानी बता रही हैं कि जो भी टट्टी का रास्ता वो फट गया था, आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब कई लोगों ने बलात्कार किया उसके साथ। हेलो सर, हम ये चाहे कि आप ओके चाहे जैसे गिरफ्तार कर, हाँ ओके गिरफ्तार कर, अगर दुनिया में इससे केस हो रही कुछ न हो तो गरीब तो मर जाइए, पैसा वाले जी जाइए, अब गरीब तो मर जाइए, ऐसे आज वो लड़का के साथ कल लड़का के साथ कुछ न हो तो कैसन पुलिसिंग। योगी जी किताब देखा तो ये कहा था न्याय मिलेगा, बुलडोजर चला देंगे अपराधियों के घर पे, यहाँ पर अभी तक जांच नहीं हुई, कुछ नहीं कोई गांव का वोट लेके आया है कोई मदद के लिए तो और क्यों कहा, वैसा हमें मदद चाहिए। देखिए पूरे गांव के लोग, जी जी पूरे गांव के लोग आंसू बहा रहे हैं, आप घूमे लड़का का नानी बहन है, अच्छा, अच्छा। कौने कौने कसम से दादी जी आई, चाची दीदी आई, लोग 3 महीना का बच्चा, लेकिन तो इससे पहले बहुत हम लोग तो अस्पताल में देखे क्योंकि इतना इतना भोइला नीचे पकड़ना,
हमारा लड़का खुद उठा के जबान निकल आई, नाक निकल आई, आँख बाहर आ गई, जबान बाहर आ गई, लगे से जाए बाकी भैया कौन सुनवाई ना, जैसे अनुराग का तुरंत गिरफ्तार कर अनुराग वाला देखी है, मतलब कार्रवाई हो रही है, पुलिस लगी है। हमारे धर्मपुर भगवान जौनपुर राजा साहब के फाटक से हमारे धर्मपुर का किस्सा हम लोग जनबंद। देखिए माता जी कह रही जिस तरीके से अनुराग के यहाँ कार्रवाई हो रही है उसी तरीके से इस घर का जो बच्चा था सत्यम निषाद उस बच्चे को भी उसी तरीके से बेरहमी से मारा गया है और यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो कम से कम अगर देखा जाए तो लोगों का जो भरोसा है, लोग यही कहते हैं ना कि संविधान सबके लिए बरोबर है, लेकिन यहाँ पर देखिए गरीबी का फर्क किया जा रहा है कि अभी तक इस गरीब घर के पर कोई आया नहीं है, अभी तक कोई यहाँ आया नहीं। प्लास्टिक का रस्सी बांध दिया ना, गर्दन फूलल है, आंख बाहर आ गई, जबान बाहर आ गई और बलात्कार भी किए उसके साथ। एकदम नंगा लड़का रहा है, एक नंगा खाली बनियाइन के शरीर से रही, हम लोगों अस्पताल में लगे से जाए के कल इतनी भी अरे जी कुछ करी इस, है इस घटना से पूरे गांव में दहशत था, गांव की नहीं मामी है इन जो हालत में बच्चे यही तेल को सब एक आते अच्छा छोटा अच्छा अब बहन हो हां अपने घर अरे इतना मत चले के यही जिया खिया जो की बड़ी बहन आओ थी और हमारी वो भी है, वो थाने पे गए हैं। अच्छा थाने पे गई है, कुछ कह रहे हैं थाने वाले कार्रवाई करें, कुछ कह रहे हैं पैसा मांग रहे हैं आप लोगों से। अरे यार सर में आनी चाहिए, ऐसे गरीब परिवार के घर पर कभी तो आते आप जो ये लोग 15 रुपए नहीं दे पाएंगे, 15,000 क्या देंगे, क्या बोल रहे हैं 15,000 रुपया मांगा था साहब। ऐसा हो कि जब गुस्से में आके पब्लिक शीशा फोड़ दिया या गाड़ी का पता ना के फोड़े, पता ना के फोड़े, अब दरोगा का कहा था पहले 15,000 रुपया। अभी गरीब परिवार का 15,000 रुपया खाना पता ना जुटा था कि ना जुटे, 15,000 रुपया। आप लोग अपना दोष नहीं तो अगर आप लोग न्याय करते सही तरीके से जाँच करते लोग क्यों जो जाम लगाते जब थाने पर जाम इसीलिए लगाए थे उन्होंने कुछ करने के लिए कहा देंगे हमारे बच्चे लेके दे हम 15 देंगे हम 15-30 देंगे हमें बच्चे लेके दे हम 15-30 अब ये देंगे बैठे बैठे बाकी बच्चे लेके दे बच्चे देंगे तभी देंगे ना। सही कहा ना इनका की है तो 15-30 हजार देंगे लेकिन इनके बच्चे को कोई वापस नहीं बैठे नहीं देंगे अभी मेरे बच्चे लेके दे हम अभी 30 हजार देंगे बाकी बच्चे लेके दे हमारे अभी देंगे भाई 50 देंगे अभी लागे दीजिए नहीं उसको हमारे उसको सजा दे आइए हम 50 देंगे बैठे देंगे बाकी बच्चे लाग दिए 5 देंगे ना तो उसको बच्चा लग दीजिए ना उसको कहे ना उसको पकड़ के जब कुछ बच्चा भी चल जाए पैसा भी दे मेरा घर कुत्ते भी धन भी दे नहीं हम पैसा दे 30 का 50 देंगे अभी भी खड़े कर देंगे बाकी बच्चे लग दे उसको ना उसको बुलाइए तो मेरा भी धन भी गया घर भी गया हम ये पैसा भी देंगे देने के तैयार है बाकी उसको लग में बच्चे दे बच्चे क्या गलती थी मारा गलिया कुछ भी किया वो गाँव में मांग के खा रहा था मुझे बच्चे इसकी हमारे ननद मर गई थी 10 साल इसको रखे इसको पाले पे आए हमने शादी भी उसको भी बच्चा भी बड़ा वही रहा इस दिन आने जाना दादी है तो वहाँ भी जाओ यहाँ भी आओ ना 10-15 साल वही से रहा घर है खुद का है अपन जाए हैं बाकी उनके मम्मी इतनी बोलते दो महीना छोड़ गई थी बच्चे ला के दे हम 50 देंगे गिनती के न दे तो मैं तो मन नाम बदल यही कहीं नहीं जाएंगे यही बाकी बच्चे मान देखिए नानी कह रही अपराधी को लाए हम पैसा देंगे अपराधी के कहाँ इंसाफ है अपराधी के पहले पकड़ के ले आवे हम पैसा यही बैठे बैठे गिने कहाँ इंसाफ है मेरा बच्चा बच्चे का पैसा भी दे इंसाफ कहीं का है धन भी गया अभी पैसा भी लगे दे अब तक बेटियों के साथ लोग गलत काम अब बेटों को भी नहीं छोड़ा हाँ। तो हम पैसा भी दे गरीब के साथ प्रधान के खाने चाहिए ना प्रधान खाई वोट लेने आता है बहन भाई जोड़ के वोट लेते आता है किसी को वोट मत दो किसी को वोट मत दो
हमारे लोग जनता को दाने दे उनके पैसा ले पैसे वाले बैठ जाते हैं भाई क्यों वोट देंगे जब इनको न्याय नहीं मिलेगा आप लोग दुख में साथी होंगे और घर में आग लगल गाँव में अपने आग लगल बताइए इन बहनों पर क्या बीतेगी जब जब राखी का त्योहार आएगा इन बहनों पर क्या बीतेगी अरे जो अपराधी है सोचते नहीं कम से कम प्रशासन के लोग इनके भाई को तो नहीं ला सकते लेकिन न्याय दिलाते जो है कम से कम जो अपराधी है और भी अपराधी के पकड़ के लिया तो जब उनका तो के दे वकील के पकड़ के लिया अपराधी कैसे हम तो सोचे चौराहे पे हमारे बच्चा मोबाइल चाहिए देखना अभी तक न प्रधान आने को पुलिस आए कोई आया नहीं यहाँ गांव के भी लोग मतलब कई लोग अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं देखिए अभी तक कुछ हुआ कार्रवाई कुछ हुआ नहीं अभी तक कुछ नहीं हुआ क्यों गरीबी की वजह से गरीबी की वजह से हम लोग गरीबी की वजह से सत्यम कैसा लड़का था अच्छा लड़का था देखो मतलब अच्छा ना मारपीट में ना था ना कुछ भी नहीं था और नहीं किसी दुश्मनी भी थी उसकी किसी कुछ कोई लफाई भी नहीं था बस उसको अभी फालतू मार दिया बलात्कार हाँ बलात्कार हुआ है बलात्कार उसके साथ और पाइप माँ फेंका हुआ घेरा में किसी मतलब कोई उस तरह की दुश्मनी थी दुश्मनी नहीं थी किसी भी दुश्मनी नहीं थी एकदम सीधा साधा इंसान था वो किसी दुश्मनी का झगड़ा ना मार पीट किसी ने बस शराब ज्यादा था किनवाई पर रहता था कभी काल घर भी आता था जिससे हुआ कि घर नहीं आया अपनी छान बीन घर वाले किए नहीं मिला तो फिर उस दिन तो पुलिस भी आई थी देखने नहीं दिए पुलिस लेट भी कर दिए और लेट करने के बाद थोड़ा मतलब कपड़ा डाल कर ले चल गए थे देखने और उन्हें पूछे ना गाँव वाले को देख लीजिए कि आपके घर करना है कोई भी किसी को देखने नहीं दिया लेकर चल गए थे तब तो जो है बेटियों के साथ गलत था लेकिन बच्चों के साथ बेटे भी सुरक्षित नहीं है नहीं सुरक्षित इस घटना से तो मतलब कि आप लोगों में भय होगा कि घर से बाहर जाओ तो है अभी देखिए इस गांव में एक बच्चे के साथ निर्मम तरीके से बलात्कार होता है और इससे जो पूरे गांव में क्षेत्र में इसलिए दहशत है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कुछ लग रहा है आशा की कुछ नहीं करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे क्या बोला कोई कोई बोला न्याय दिलाने हाँ डॉक्टर संजय निषाद से बात हुआ था तो बोल रहे थे दो तीन दिन के अंदर में टाइम निकाल के हम आएंगे अभी टाइम निकाल कर टाइम निकाल क्या है वो यहाँ कुछ है नेता का है कैबिनेट मिनिस्टर है ना जी उनसे बात किया गया तो कहीं कहीं से बहुत देर होने कहते हैं कोई चीज़ अगर मामला ठंडा हो जाता